नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा और खबर अब तक में आपका स्वागत है। आज का एक टॉपिक एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर है। क्या आप लोग जानते हैं कि कहीं पे सांपों की भी खेती की जाती है? दुनिया का एक ऐसा अजीबो गरीबो गांव जहाँ पे जहरीली सांपों की खेती की जाती है। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। आपने फसल, फल और सब्जियों की खेती के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में एक ऐसा गांव है जहाँ सांपों की भी खेती की जाती है। इस गांव का नाम जिसे कियाओ है और इस गांव के लोग सांपों की खेती पर ही निर्भर हैं। इस गांव का हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। जिसे कियाओ में 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर्स समेत कई जहरीले सांपों को पाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्यों पाला जाता है, क्यों की जाती है वहाँ पर सांपों की खेती। दरअसल वहाँ पर सांपों की खेती उसके मांस और शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है। सांपों का मीट चीन के लोग शौक से खाते हैं, साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयों में भी होता है। इसकी शुरुआत जिसे कियाओ गांव में हुई, जो पूरे विश्व में फार्मिंग के कारण जाना जाता है। हालांकि यहां पहले चाय, जूट और कपास की खेती होती थी, लेकिन आज यहां पे का प्रमुख कार्य सांपों की खेती ही है। स्थानीय लोग को जिस सांप से सबसे ज्यादा डर लगता है वह फाइव स्टेप स्नेक है। इसका नाम फाइव स्टेप स्नेक रखे जाने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आम लोगों का कहना है कि सांप को काटने के बाद इंसान महज 5 कदम ही चल पाता है, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। आखिर में जब ये बड़े हो जाते हैं तब इन्हें फार्म हाउस से बूचड़ खाने में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इनके शरीर से जहर निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। चमड़े को अलग सुखाया जाता है। सांप के मीट से दवा और चमड़े से बैग बनाए जाते हैं और लोग सूप भी पीते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नए नए न्यूज़ अपडेट्स और टेक न्यूज़ आपको